हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप उन्हें ज़रूर से देखिएगा। तो ये रची है मैंने मेहंदी, जो कि मैंने अपने हाथ से लगाई है और एक हाथ में मैंने किसी और से लगवा लिया। अरे भी बेटा मेरा फिलहाल सो रहा है और अब जा रही हूँ मैं पूजा की तैयारी करने। मायके में आई हूँ तो मायके में तो सब कुछ खाना पीना तो मेरी मम्मी ही बना रही है, मैं सिर्फ पूजा की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर शाम को रेडी होकर आपको दिखाऊंगी। तब तक वीडियो में बने रहिएगा। और फिर इस तरह से मैंने अपना सारा पूजा फिनिश किया। मैंने ये एक तांबे का करवा लिया था जो कि मायके की तरफ से होता है, और एक मिट्टी का करवा था। यहाँ मेरा बेटा भी मेरे साथ आरती करवा रहा था। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो तो आप 7 बार करवा माँ को खुद ही दाएं और बाएं कर दिया कीजिए, फेर लिया कीजिए। अगर आपके आसपास काफ़ी लोग हैं जो कि करवा चौथ करते हैं, आप उनके साथ अपनी थाली फेरा कीजिए, थाली, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। करवा फेरे बिना अपना पूजा ये नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है। तो यहाँ मैंने 5 टाइप के फल चढ़ाए थे, और हमारे यहाँ फरे, खीर, पूड़ी ये सब बनता है, तो मैंने वो भी चढ़ाया था। और यहाँ हमारी बिल्डिंग की काफ़ी लेडीज़ थी जो कि और भी थी, वो लेट आई, तो हमने यहाँ पर अपना करवा फेर लिया था, क्योंकि करवा फेरना काफ़ी शुभ होता है। और करवा फेरते टाइम हम यही कह रहे थे कि अब आ गया और चांद की अब मैं कर रही हूँ। जब आप दोगे तो आपको हमारे यहाँ हवा जवाब तेज चल रही थी, एक तो बादल में चांद छुपा हुआ था, इस तरह से हमने गाना सूट हो रहा था कि चांद छुपा बादल में। फिर इस तरह से उनको अर्घ दे के से फेरे लेकर मैंने उनकी अच्छे से पूजा की, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे नहीं, तो मैंने फ़ोन पर ही मोबाइल उनको वीसी करके उनको देखकर अपना व्रत खोल लिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।